दर्शकों, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं आपके साथ शाहिद हसन। जैसा आप सब जानते हैं कि अगर कश्मीर घाटी की बात करेंगे, कश्मीर घाटी में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का सिलसिला जो है फर्स्ट मार्च से शुरू हुआ और 11th यूटी लेवल टेनिस क्रिकेट चैंपियनशिप जो है उसका आगाज कल बाजाब्ते तौर पर अनंतनाग के बिजबिहारा में शुरू हुआ और यहाँ पे खसूसी मेहमान डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला थे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद फाउंडर टेनिस बॉल क्रिकेट के जो है फारूक साहब, खैर मुकदम आपका खैर मुकदम। टेनिस बॉल के हवाले से आपसे ये बिल्कुल खुश करूँगा कहने की कि ये जो 11th जेंट के यूटी टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप, आज हम यूटी इसको कहते हैं, प्रीवियसली हम इसको कहते थे स्टेट लेवल टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप, इसका आयोजन हमने किया है। कल बाजाब्ता तौर पर डिप्टी कमिश्नर आए थे, आप भी कल हमारे साथ जुड़े थे। ये 3 दिन की जो स्टेट लेवल एक्टिविटी है या एनुअल कैलेंडर एक्टिविटी साल में एक बार होती है, जब हमारे डिस्ट्रिक्ट पूरे होते हैं उसके बाद एक स्टेट लेवल का कंपटीशन होता है जिसको आज हम यूटी लेवल का कंपटीशन कहते हैं। तो यहाँ पे करीब कश्मीर डिवीजन की सभी टीमें आई थी, चाहे अनंतनाग है, बारामूला है, श्रीनगर है, नॉर्थ कश्मीर की सभी टीमें आई थी। साथ में हमारे साथ जम्मू और रामबन की 3 टीमें जुड़ी थी जूनियर और सीनियर लेवल कैटेगरी में। उसके साथ साथ लड़कियों की करीब 5-6 डिस्ट्रिक्टों की टीमें आई थी और वो भी हमारी इस चैंपियनशिप का हिस्सा। हरक साहब, कहाँ पर इन लड़कों की कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उसी ग्राउंड में खेला जाता है ये टूर्नामेंट जहाँ पर जम्मू कश्मीर का एक ऐसा सितारा निकला जिसने पूरी घाटी का नाम रोशन किया था। मेरा इशारा परवेज रसूल की ओर है, कैसा कॉन्फिडेंस है इनका, क्योंकि उसी ग्राउंड में खेल रहे हैं जहाँ से परवेज ने खेला, जहाँ से परवेज ने कैरियर का सिलसिला शुरू किया था। मैम, इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक इस बात को पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि परवेज रसूल साहब का जो पहला नेशनल है वो टेनिस बॉल क्रिकेट टीम, वो मेरे साथ टीम के कैप्टन रहे हैं 1999 में। सब जूनियर हमारा टीम था, उस टाइम हमारा चयन हुआ था श्रीनगर में, उसमें वो दोनों भाई खेल रहे थे, परवेज रसूल भी और उनके आसिफ रसूल भी, और भी अच्छे खिलाड़ी उसमें थे। और हम उस टाइम पहली बार टूर्नामेंट की शिरकत के लिए जयपुर गए थे और हमारा टीम उस टाइम फाइनल में आ गया था, हम रनर्स अप ट्रॉफी लेके आए थे। परवेज रसूल उस टाइम जम्मू कश्मीर की टीम की नुमाइंदगी कर रहे थे और उन्होंने स्टार्ट जो अपना कैरियर किया है मुझे लग रहा है कि टेनिस बॉल क्रिकेट से ही किया था। उसके बाद मैंने उसको देखा है क्रिकेट में चमकते, जो आज किसी मुकाम पे वो पहुंचे, लेकिन बुनियाद उनकी है जो वो टेनिस बॉल क्रिकेट से। फारूक साहब, अगर रूल्स की बात करेंगे, जैसे आप कल कह रहे थे कि इसमें सिर्फ 9 खिलाड़ी होते हैं, तो दर्शकों को थोड़ा सा बताइए कि इसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या है। बेसिकली ये गेम जो है टेनिस बॉल क्रिकेट है, अगर हम आप ये मुझे कहेंगे कि ये इजी गेम है कम्पेयर टू क्रिकेट, मैं ऐसा नहीं मानता। यहाँ पे वही खिलाड़ी परफॉर्म बेटर कर सकता है जो टेक्निकली साउंड होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रोक है क्रिकेट में, जब छक्का लगता है तो लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ छक्का मारेगा तो टीम को पसंद नहीं है, वो रूल आउट है वो इसमें। और 30 मीटर का आपको ग्राउंड मिलता है जिसमें 9 खिलाड़ी खेलते हैं, 14 का टीम रहता है, 5 इसमें सब छूट रहते हैं, और 9 खिलाड़ियों को 25 से 30 मीटर की छोटे एरिया में बीट करके स्कोर बनाना, ये काफ़ी मुश्किल है। ये काफ़ी अच्छी गेम है, भारत सरकार में बाज़ाब्ता तौर पर रिकॉग्नाइज है, और यही वो एक क्रिकेट है भारत सरकार, जिसमें भारत सरकार ने मान्यता दी है, रिकॉग्निशन दी है। और आज टेनिस बॉल क्रिकेट 2022 की मैं बात करूं, ये ग्रुप डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब के लिए भी ये बाज़ाब्ता तौर पर है, जॉब के लिए भी है। अगर कोई नेशनल खेलता है वो जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकता है, और स्टेट में भी ये SRO जैसे प्रोफेशनल कोर्स है, बाकी चीज़ है, वहाँ पर भी ये SRO में बाज़ाब्ता गेम ऑलरेडी। मेरे साथ और एक मेहमान बात करने के लिए मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डॉक्टर रियाज गिरी, स्पोर्ट्स प्रमोटर जम्मू कश्मीर। डॉक्टर साहब, खैर मुकदम आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, कहाँ पे इन लड़कों को देखते हो, क्योंकि अगर पिछले साल की बात करेंगे, कश्मीर घाटी से 11 ऐसे लड़के जिन्होंने IPL के दरवाजे खटखटाए थे, मगर किस्मत ने वहाँ पर साथ नहीं दिया। उसके बगैर भी इस वक्त जो ये कुलगाम से राशिक सलाम है वो मुंबई इंडियंस का हिस्सा है, अब्दुल समद हिस्सा है, उसके बगैर हनान मलिक, कहाँ पर देखते हो? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी टूर्नामेंट हो, अगर आप कोई भी गेम में आगे जाना चाहते हो, चाहे अभी मैं क्रिकेट की बात करूँगा, क्रिकेट में एक टेनिस बॉल भी है जो बेसिक लेवल का क्रिकेट है, तो जब तक कि बच्चे इसमें सही से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक वो शायद आगे नहीं बढ़े, क्योंकि सुकून गेम्स में भी अभी ये है,
तो ये बेस है जो स्कूल लेवल के कॉम्पिटिशन होते हैं, ये बेस होते हैं एक खिलाड़ी के लिए। आप देखें चाहे परवेज रसूल हो, अब्दुल समद हो या दूसरे जितने भी खिलाड़ी हैं, उन्होंने सब ने चाहे टेनिस बॉल से स्टार्ट किया है या स्कूल लेवल से, तो ये बेस है। अगर यहाँ पे वो अपने जो कोचेज हैं उनकी बात सुनेंगे और अपने टैलेंट को निखारने की कोशिश करें, अपने फिटनेस को मेंटेन करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं। एक ऐसा भी दौर था जब IPL या इंटरनेशनल कश्मीरियों के लिए ख्वाब था, लेकिन आज अगर आप देखें तो अभी लगभग 17 लोग आज तक IPL से जुड़े हैं, जिनमें 4-5 ने डेब्यू किया है, कुछ लोग एज अ नेट बॉलर गए हैं, कुछ सिलेक्ट भी हुए जिन्होंने नहीं खेल पाए बदकिस्मती की वजह से, लेकिन लगभग आप देखें 20 लड़के अभी J&K से IPL से वाबस्ता है। इवन इंटरनेशनल खिलाड़ी है परवेज रसूल, तो अभी आप देखें पहले हम बोलते थे शायद श्रीनगर या जम्मू वाले ही रणजी ट्रॉफी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अभी आप देखें एक आबिद मुश्ताक लड़का है वो भद्रवाह से आता है, दूसरे आप देखिए एक नवाज राठौर है वो पूंछ से आए, कुफवारा से लड़के आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो, अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अपने टैलेंट पे पूरा काम करना है, उसके साथ साथ जो आपकी फिटनेस लेवल है उसको डेवलप करना है, जो कोचेज हैं उनको सुनना बहुत जरूरी है। एक दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुँचे हर खबर सबसे पहले।